साउथराड ऑन एक्टिवा डे 7 एपिसोड 18। वेलकम टू माय चैनल रॉबेल ट्रैवल। मीनाक्षी मंदिर में काफ़ी से दर्शन हो गए और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे तिरुमलाई नायक पैलेस। तो देखते हैं क्या है। एक्चुअली मेरी लाइक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में था कि ये पैलेस भी है, तो मैं तो चलो ये भी देख लेते हैं ये क्या है पैलेस में। टिकट काउंटर है यहाँ पे, तो टिकट लेते हैं। मैम मैं भी आपको बताऊँ कि कितने की टिकट है और क्या टाइमिंग से यहाँ पे। कुछ तिरुमलाई नायकर महल के बारे में लिखा है तो पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक बात मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे उनकी लैंग्वेज में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो भी होता है। इंग्लिश शो डेली 6:45 to 7:35, तमिल शो डेली 8 PM to 8:50 PM। तो यहाँ पर टिकट काउंटर था जहाँ पे मोबाइल और कैमरा के लिए 30 रुपीज़ चार्ज थे और वीडियो के लिए 100 रुपीज़। यहाँ पे ट्राईपॉड, फ्लैशलाइट, फोटोशूट और ब्लॉग वीडियो अलाउड नहीं थे, तो इन्होंने मुझे अंदर से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने दी, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। तो यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो भी होता है। यहाँ पे टाइमिंग्स की बात करूँ तो इंग्लिश शो 6:45 PM to 7:35 PM तक रहता है। एडल्ट की 60 रुपीज़ है, चिल्ड्रंस के लिए 30 और स्टूडेंट के लिए भी 30 है। तो अभी मैं आपको थोड़ा तिरुमलाई नायकर महल के बारे में बताता हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम तिरुमलाई नायकर महल मदुराई रेलवे स्टेशन जिसकी दूरी 2.1 किलोमीटर है, मटुतवानी बस स्टेशन जिसकी दूरी करीबन 7 किलोमीटर है, मदुराई एयरपोर्ट जिसकी दूरी 12 किलोमीटर है। तिरुमलाई नायकर पैलेस मीनाक्षी अम्मन टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। यह महल मदुरई का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह महल अपने विशाल स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। यह महल 17वीं शताब्दी का एक महल है जिसे 1636 में मदुरई के नायक राजवंश के राजा तिरुमाला नायक द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने भारत के मदुरई शहर में 1623 से 1659 तक मदुरई पर शासन किया था। इटली के एक वास्तुकार ने राजा के लिए इसे बनाया था। राजा और उनका पूरा परिवार यहाँ रहते थे। स्वर्गविलास और रंगविलास महल के दो हिस्से हैं। मूल महल परिसर वर्तमान संरचना के 4 गुना बड़ा था। अपने सुनहरे दिनों में महल को दक्षिणी के आश्चर्यों में से एक माना जाता था। मदुरई के नायकों ने 1545 से 1740 के दशक तक इस राज्य पर शासन किया और तिरुमलाई नायक 1623 से 1659 उनके सबसे महान राजाओं में से एक थे। तिरुमलाई पैलेस एक राष्ट्रीय स्मारक है और अब ये तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यह महल प्रतिदिन टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। पैलेस में कई फिल्मों की शूटिंग मुख्य रूप से मौजूद बड़े खंभों के कारण की जाती है। उल्लेखनीय फिल्म में मणिरत्न की बॉम्बे और गुरु है। महल एक टिकट वाला स्मारक है जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी साउथ रेड के एपिसोड 19 में मैं मदुरई से कन्याकुमारी तक पहुंचूंगा। मैंने अपने चैनल पर 280 से अधिक ट्रैवलिंग के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं, जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो।